विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसे चुनावी रैलियां बताकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करार दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकारों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जयराम सबसे खर्चीले सीएम साबित हुए हैं। 5 साल में उन्होंने अपने दोस्तों के लिए 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीद ली। जयराम क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। जिन लोगों का आजादी में कोई योगदान नहीं रहा उनका भाजपा द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में जिक्र किया जा रहा है, जबकि असली स्वतंत्रता सेनानियों का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा। भाजपा के हारे नकारे लोगों को मंचों पर बैठाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के चुने हुए विधायकों को बुलाया तक नहीं जा रहा। भाजपा अमृत महोत्सव के नाम पर चुनावी रैलियां कर रही है। मुख्यमंत्री इस गलतफहमी में है कि जो इन कार्यक्रम में भीड़ जुट रही है उसे वे वोट में बदलेंगे, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। धूमल और शांता कुमार ने कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की, जबकि जयराम ठाकुर केवल धर्मपुर सराज तक ही सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का अब बहुत कम समय प्रदेश के अंदर रह गया है और लगातार जो है सरकार द्वारा जिस तरीके की कार्यप्रणाली प्रदेश के अंदर अपनाई जा रही है, कैबिनेट की बैठकों का दौर चला हुआ है, हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग्स बुलाई जा रही है और उनमें धनाधन विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस, विदाउट नेसेसरी अप्रूवल्स जो है वो कैबिनेट के फैसले करवाए जा रहे हैं। ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आजकल पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष के संदर्भ में जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं, पहली बात और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जिन लोगों का आज़ादी में और आज़ादी के संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो आज़ादी के बारे में नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ना इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कोई बात होती है, ना इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार जी की कोई बात होती है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने का बेड़ा उठाया, हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया, और ना ही भाजपा के भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे शांता कुमार जी है, प्रेम कुमार धूमल जी है, सबसे लंबे समय तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, किसी का भी जिक्र जो है वो इन कार्यक्रमों में नहीं होता। ये सरकारी कार्यक्रम है। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू डिवाइड पीपल ऑन लाइन्स ऑफ कास्टिज्म, ऑन लाइन्स ऑफ रीजनलिज्म, ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। इस तरीके की हरकतें आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करी। हम साधुवाद देते हैं प्रेम कुमार धूमल जी को, हम साधुवाद देते हैं शांता कुमार जी को, जो निचले हिमाचल से होते हुए भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक तरीके से करने का, आगे ले जाने का प्रयास किया। मगर आज एक ऐसी मानसिकता की सरकार है जिनको धर्मपुर से आगे, सिराज से आगे कुछ नजर ही नहीं आता है।